वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड मेकअप आई एम मनीषा एंड आज मैं आप लोगों के साथ ये स्टेप बाय स्टेप पर्पल आईज मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने सिर्फ एक ही पैलेट से एंड बहुत ही इजीली इसको क्रिएट किया है सो इफ यू लाइक माय दिस मेकअप लुक प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो लेट्स गेट स्टार आज का मेकअप मैं स्टार्ट करूंगी अपने स्किन केयर से एंड सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन एप्पल टोनर एंड अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लूँगी एंड इसको ऐसे ही ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दूंगी नेक्स्ट अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24 फोर कैरेट गोल्ड ऑयल एंड इसको मैं टू थ्री ड्रॉप्स लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी इससे जो आपका बेस है ना फाउंडेशन का वो बहुत ही फ्लॉलेस लगता है एंड इसको फटाफट से मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से ही एंड बहुत ही अच्छा लगता है गाइज mm -hmm. नेक्स्ट मैं न्यूट्रीडर्म का वाइटमेंट ई मॉइस्चुराइजिंग लोशन अपने फेस पर पूरे अप्लाई करूँगी एंड इसको भी मैं अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी गाइज ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है आप अब अप इसको अपने स्किन केयर में या फिर अपने मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो चेंज हो चुकी है अब आपको ये वाइट कलर की पैकेजिंग में मिलेगा बट प्रोडक्ट सेम है बहुत ही अमेजिंग है आप देख सकते हैं कितना सही हो गया है नेक्स्ट मैं अपने फेस को प्राइम कर रही हूँ नाइका प्रेपमी अप फेस प्राइमर के साथ एंड मैं ये सिलिकन बेस्ड प्राइमर है और मैं अपने फिंगर में इसको थोड़ा सा वार्म करके देन अपने टी जोन पे इसको अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे टी जोन पे ज़्यादा ओपन पोर्स हैं आ, बट स्लोली स्लोली मैं इसको अपने पूरे फेस पर ही अप्लाई कर लेती हूँ नेक्स्ट आते हैं कलर करेक्टिंग पर एंड यहाँ पे मैं यूज़ रही बेट बेटन वाइल्ड का कवर ऑल कंसीलर पैलेट एंड इसमें से कवर्स वाला पोर्शन लेके अपनी फिंगर की हेल्प से मेरे भी जितने पिगमेंटेशन है या फिर जितने भी एक्ने मार्क्स हैं या फिर डार्क स्पॉट्स हैं उस पर मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड इसको मैं फिंगर की हेल्प से ही स्लोली स्लोली ब्लेंड कर दूँगी तो आपको इसमें मीडियम कवरेज मिल जाती है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बहुत क्रीमी कंसीलर है बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है नेक्स्ट इल्यूमिनेटर uh, के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर एंड आप इसको एज अ इल्यूमिनेटर भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं मैं मैंने इसको अप्लाई किया है एंड अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड आप फिनिश देखना गाइस कितनी अच्छी आती है एंड बहुत ही डूई लगता है आपका फेस पे अपनी ब्राउज फिल कर ली है ऑफ कैमरा सो अब आते हैं अब करते हैं स्टार्ट अपने आई बेस से एंड आज मैं अपने आई बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम एंड इसको मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई करके एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी देन मैं पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ इन शेड हनी सेल्फ केयर टू एंड उसको डाबिंग मोशन में मैं, मैं अप्लाई करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ना आप देख सकते हैं हमारी जो आई बेस है वो रेडी हो चुका है देन uh, मैं यूज़ करी निका की का शुगर प्लम पैलेट एंड इसमें पिंकिश एंड पर्पल शेड बहुत अच्छे हैं एंड सबसे पहले मैंने लाइट पिंक शेड लिया है एंड अपनी आउटर वी एंड और... अपनी क्रीज लाइन पे इसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी देन मैंने पर्पल शेड लिया है एंड अपनी आउटर वी एंड अपनी इनर वी पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी अप्लाई मैं पूरी आईलेट पे करूँगी बट जो ज़्यादा फोकस है वो आउटर एंड इनर वी पे मैंने किया है सो क्योंकि हमें उसको ज़्यादा डार्क दिखाना है एंड नेक्स्ट मैं शिमो जो ये फॉइल आई शेडोज ले रही हूँ पर्पल एंड शैम्पेन शेड मिक्स करके और अपनी सेंटर ऑफ द आईलेट पे मैंने इसको प्लेस कर लिया है ये जो फॉइल आई शेडोज़ हैं वो पिक बहुत अच्छे होते हैं एंड अप्लाई भी बहुत अच्छे होते हैं पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है नेक्स्ट मैं ईबा कॉस्मेटिक्स का, काजल ले रही हूँ इन दी शेड ब्लैक एंड इसको मैं अपनी आईलेट पर इसको प्लेस uh, कर लूँगी स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपली मैंने अपनी लाइश लाइन के क्लोज़ क्लोज इसको प्लेस किया है एंड मैं इसको लिटिल बिट स्मोक आउट करूंगी और आजकल ना स्मोकीनेस ये स्मोकी लाइनर जो है बहुत इन है और बहुत अच्छा भी लगता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक आउट ना करके मैंने एक से दो लेयर अप्लाई करी है देन उसको स्मोक आउट कर दिया है एंड बहुत ही अच्छा लगता है गाइस बहुत सिंपल है सो हमारा ये हाफ हमारा हो चुका है देन मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे पर्पल एंड पिंक शेड एक बफिंग ब्रश में लेके आई ब्लेंडिंग ब्रश में लेके उसको मैं आप देख सकते हैं ऐसे ब्लेंड आउट कर लूँगी तो काफ़ी अच्छा शेड आ जाता है नेक्स्ट आप काजल भी अप्लाई कर सकते हैं दैट्स अप टू यू मेरे पास ये जेल लाइनर था मेवलिन का तो मैं एक ब्रश में लेके सिर्फ उसको काजल की जगह पे अप्लाई कर अपने लैशेस को कोट करने के लिए आज मैं यूज़ कर रही लॉरियल का वॉल्यूम मस्कारा एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी टू थ्री कोट लेके एंड बहुत ही अच्छे से आपकी जो लैशेस हैं वो बहुत ही अमेजिंग लगती हैं इसको लगाने के बाद नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का टाइम प्रो फाउंडेशन एंड ये सीरम बेस्ड फाउंडेशन है मैंने इसको अप्लाई किया है ड्रॉपर की हेल्प से एंड मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको ब्लेंड कर लूँगी अपना फाउंडेशन एंड बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है बहुत अच्छी फिनिश देता है तो आप देख सकते हैं मैंने जो आज का बेस रखा है ना वो बहुत डूई एंड ग्लोई है सो so, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कोई पैचेस नहीं छूटने चाहिए क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता है नेक्स्ट कंसीलर भी मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मेबलिन मी कंसीलर एंड जहाँ पे भी मैं कंसीलिंग एरियाज़ है जितने भी मेरे हाइलाइटिंग एरियाज़ है वहाँ पे मैं अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ब्लेंड कर लूँगी देन uh, ये जो कंसीलर है ना वो बहुत क्रीमी कंसीलर है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है कवरेज अच्छी मिलती है और बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा आई एम श्योर नेक्स्ट मैं अपने जो बेस को सेट कर रही हूँ सेम कॉम्पैक्ट पाउडर से पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैं पहले अपने फेस को डायमेंशंस दूँगी जिससे कि मेरा फेस ना थोड़ा सा पतला लगे सो so, ऐसे अप्लाई करने के बाद बफिंग ब्रश में लेके सर देन डैबिंग मोशन में मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी आई आई एरिया के पास एंड मैं पूरे फेस पे फिर इसको हल्का हल्का अप्लाई करूँगी पूरे फेस पे मैंने निका के का अंडर द सी पैलेट लिया है इसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए एंड एक एंगुलर ब्रश से मैं अपने फेस पे जो ब्राउन शेड है उसको अप्लाई करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए एंड उसी से ही मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है मैंने आपको बताया हुआ है अगर ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी नहीं हो पाती है तो अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको डाप डाप कर लीजिए तो वो सटल डाउन हो जाता है तो आपको एकदम हार्श लाइंस नहीं दिखती है एंड काफ़ी अच्छा जो आपका फ़ेस का डायमेंशन है ना वो बहुत अच्छी हो आती है नेक्स्ट uh, मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लश uh, मैं अप्लाई करूँगी पिंक शेड मैंने लिया है एंड जहाँ पे मैंने ब्राउन्जिंग करी थी ना उसी की थोड़ा सा ऊपर मतलब एम्पल ऑफ द चीक्स पे मैं इसको अप्लाई करूँगी अच्छे से काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है मैंने थोड़ा ही पिक किया था और बहुत अच्छे से ये सो मैं अप्लाई करने के बाद मैंने हाईलाइटिंग के लिए भी सेम uh, पैलेट में से ये लाइटर शेड ले रही हूँ मैं काइंड ऑफ पीच स्टोन है ये और इसको मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई uh, कर लूँगी नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की की मिनी लिपस्टिक एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है जो कि मैट है सो काइंड ऑफ ब्रिक शेड है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे शेड्स यूज करने फेस को सेट करूंगी वेट इन वाइल्ड के फिनिशिंग स्प्रे के साथ एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको ऐसे ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दूंगी बहुत अच्छी फिनिश आती है डू एंड ग्लोई सो सो या दैट्स माई फाइनल लुक सो इफ यू लाइक माई दिस मेकअप लुक प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेट यून